हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में तो डिस्कस करते हैं। 1975 में कॉलर एंड माइलस्टीन, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलपमेंट की थी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी की और इनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर मेडिसिन के लिए 1984 में। हाइब्रिडोमा टेक्निक क्या होती है? जो बी लिम्फोसाइट होते हैं, जब उनके अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो वो ट्यूमर सेल्स में म्यूटेट होकर ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से जो एक कैंसर का टाइप बनता है उसको हम माइलोमा बोलते हैं। माइलोमा सेल्स क्या होते हैं? वो इमोर्टल होते हैं। इमोर्टल मतलब कि वो इनडेफिनेटली ग्रो करेंगे। जब हम उन्हें कल्चर करेंगे तो वो इनडेफिनेटली उनकी ग्रोथ होगी। और जब हम फ्यूज़न कर देते हैं बी सेल एंड इन माइलोमा सेल्स को, एक बी सेल और माइलोमा सेल को जब हम फ्यूज़ करते हैं तो हाइब्रिडोमा बनता है और जो कि इनडेफिनेटली ग्रो करता है कल्चर के अंदर। तो ये होती है हाइब्रिडोमा टेक्निक। अब इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले हम बी सेल्स को लेते हैं। बी सेल्स क्या करते हैं? एंटीबॉडी को सिक्रीट करते हैं, बट ये टिश्यू कल्चर के अंदर ग्रो नहीं करते हैं। उसके बाद हम माइलोमा सेल्स को लेंगे। माइलोमा सेल्स जो होते हैं वो इनडेफिनेटली ग्रो करते हैं सेल कल्चर के अंदर, बट वो कोई भी डिज़ायर्ड एंटीबॉडी को सिक्रीट नहीं करते हैं। फिर उनको फ्यूज़ किया जाता है। जब इन दोनों का फ्यूज़न हो जाता है तो हाइब्रिडोमा सेल्स बनते हैं, और वो हाइब्रिडोमा जो सेल्स होते हैं वो इनडेफिनेटली ग्रो करते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर एंड सक्रीट करते हैं एंटीबॉडी। अब जो इससे जो एंटीबॉडीज बनती है वो हमारी होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, क्योंकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किससे ड्राइव होती है? सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल से। तो जो एंटीबॉडी बनेगी उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और वो एंटीबॉडी होती है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये पूरी प्रोसेस होती है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की प्रोडक्शन। तो अभी मैंने बताया मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। वो एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस होती हैं सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल से, क्योंकि माइलोमा भी बी सेल्स का ही म्यूटेट पार्ट था। तो और ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं? बाय फ्यूजिंग बी सेल जो कि एंटीबॉडी सक्रीट कर रहे होते हैं। जब हम उनको फ्यूज़न कर देते हैं माइलोमा सेल के साथ जो कि इनडेफिनेटली ग्रो करते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर, तो आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है कि उनके अंदर जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वो सारी एंटीबॉडीज़ के अंदर सेम होगी और वो सेम एपिटोप से बाइंड करते हैं सेम एफिनिटी के साथ। तो ये जो एक क्लास हो जाती है आइसोटाइप की क्लास है, यही प्रोसेस यहाँ पे भी सेम दिखाया गया है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के बारे में, कि जब इम्यूनाइजेशन दी गई माइस को तो माइस से बी सेल जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहे थे उनको आइसोलेट किया गया, और उसके बाद जो ट्यूमर सेल्स थे उनको, ट्यूमर कौन से हो गए? माइलोमा सेल्स। तो ये ट्यूमर सेल्स थे और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल थे, इन दोनों को फ्यूज़ करा दिया गया तो यहाँ पे बना हाइब्रिडोमा। अब हाइब्रिडोमा को जो होता है उसको हमें स्क्रीन करना होता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है या नहीं। जब हमारे पास हमें पता चल जाता है कि एंटीबॉडी सक्रीटिंग हाइब्रिडोमा बन गए हैं तो उनको क्लोन कर लेते हैं और उसके बाद जो होता है उसको आइसोलेट करते हैं कल्टिवेशन के लिए। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, एंटीजन एक्स कोई भी उसको इंजेक्ट किया माइस के अंदर, वहाँ से स्प्लीन सेल को आइसोलेट किया फ्रॉम माउस से। उसके बाद जो इधर म्यूटेंट माइलोमा जो लाइंस थी जो इनडेफिनेटली ग्रो कर रही थी हेट सिलेक्शन मीडियम के अंदर, उसको ले लिया और दोनों का फ्यूज़न कराया। और जब फ्यूज़न कराया तो हमें कुछ मिक्सचर मिलता है फ्यूज सेल्स का एंड अनफ्यूज सेल्स का। तो जब ये अनफ्यूज सेल्स हो गए और ये फ्यूज सेल्स हो गए तो इनका मिक्सचर मिला। तो इस मिक्सचर को अब हम कैसे सेलेक्ट, हमें सेलेक्ट करना होगा, हमें सिर्फ चाहिए फ्यूज सेल्स, तो उसकी हम सिलेक्शन करते हैं हेट मीडियम पे। तो यहाँ पे जो फ्यूज्ड वाले होंगे सिर्फ वो वाले सेल्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम स्क्रीनिंग करेंगे प्रेजेंस ऑफ एंटी एक्स एंटीबॉडी के लिए और फिर इसको एक्सपैंड कर देंगे जो भी पॉजिटिव क्लोन होंगे। ये वही प्रोसेस है। अब हमें सिलेक्शन कैसे करनी है, हमें सिर्फ फ्यूज सेल चाहिए तो हम सिलेक्ट कैसे करेंगे? जो माइलोमा सेल्स हैं उनको इंजीनियर कर दिया गया
जिससे कि वो हाइपोजेंथीन, अमीनोटायरिन एंड थायमिडीन को यूटिलाइज़ ना कर सकें। इस मीडियम को हम हैट मीडियम बोलते हैं और ये जो होते हैं सोर्स होते हैं न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए। तो इस तरह से जो माइलोमा सेल्स होंगे, अगर खाली अनफ्यूज सेल्स होंगे तो वो डाई कर जाएंगे कल्चर के अंदर। इसी तरह से जब बी सेल फ्यूज़ करेंगे माइलोमा के साथ, जो हाइब्रिड बनेगा, तो वो हाइब्रिड ही सिर्फ सर्वाइव करेगा कल्चर के अंदर जब हम उसे हैट मीडियम पे ग्रो करवाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन के, कि पहले तो हम कोई भी एनिमल लेंगे, उसको हम इम्यूनाइज कराएंगे, उसके बाद उसका स्प्लीन सेल्स से को आइसोलेट करेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स होते हैं। फिर उन बी सेल्स को फ्यूज़ कराएंगे माइलोमा सेल के साथ एक केमिकल की हेल्प से, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। फिर क्या करेंगे, जो भी उसको सेलेक्ट करेंगे हैट मीडियम पे, जो अनफ्यूज्ड बी सेल्स होंगे वो डाई हो जाएंगे। अमीनोटायरिन को जब कल्चर में डालेंगे तो जो अनफ्यूज्ड माइलोमा सेल थे वो भी डाई हो जाएंगे, सिर्फ कौन रहेंगे जो हाइब्रिड वाले थे। तब जब स्क्रीनिंग हो गई, अब स्क्रीन करेंगे प्रेजेंस ऑफ डिज़ायर्ड एंटीबॉडी, और जब हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव ये प्रोड्यूस कर रहे हैं एंटीबॉडी, तो फिर उसको ग्रो करवाएंगे टिश्यू कल्चर के अंदर इनडेफिनेटली, और एंटीबॉडी को हार्वेस्ट कर लेंगे फ्रॉम द कल्चर सुपरिनटेंट से। अब इस मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के कुछ यूज़ होते हैं, जैसे कि हम जो प्रोटीन एंड ड्रग लेवल होता है सीरम के अंदर, वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से मेजर कर सकते हैं। ब्लड का टाइप और टिश्यू बता सकते हैं। इन कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जो क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्यूमर मेटास्टेसिस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हार्मोन की क्वांटिटी को बता सकते हैं और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इम्यूनो एफिनिटी प्यूरिफिकेशन के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो ये इंट्रोडक्शन थी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के बारे में।